अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा 5 मरले पर मुश्तमिल ब्रांड न्यू एक मॉडर्न डिजाइन में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर, जिसकी लोकेशन DHA Phase 3 लाहौर है। ये जी आप घर का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, जिसके ऊपर टोटली तौर पर टाइल वर्क और रॉक वॉल के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से काम किया गया है। और इस प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो 25 फीट बाई 45 फीट है, 25 फीट इसका फ्रंट है और इसी तरीके से 45 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। और ये आपको बाहर की लोकेशन दिखाते चलें, DHA Phase 3 की आपने लोकेशन देखी होगी, जहां पे पैकेजेस मॉल आता है। यहां पे बिजली, पानी, गैस तीनों कनेक्शंस हैं, और जिनके भी नसीब में ये घर हो, अल्लाह ताला उनके लिए बाइस रहमत, बाइस राहत, बाइस इज्जत और बाइस बरकत बनाए। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा, ताकि आपके सामने वीडियो में सारी डिटेल्स बरवकत आती रहें। घर की लोकेशन, घर के प्राइस और घर का खूबसूरत डिजाइन और इसी तरीके से कॉन्टेक्ट नंबर। और आज की इस वीडियो में आपके सामने घर की मुकम्मल डायमेंशंस भी आती रहेंगी, ताकि आपको घर का नक्शा, फ्लोर प्लान समझने में इंतहाई आसानी हो। और अगर आप इसी डिजाइन के ऊपर अपने लिए घर तैयार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेहतरीन और फायदेमंद साबित होने वाली है। तो आइए जी आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। ये इसका गैराज है, जिसमें क्रोला टाइप गाड़ी आप बिल्कुल आसानी से खड़ी कर सकते हैं। और गैराज की आपको डायमेंशंस बताते चलें, 12 फीट बाई 15 फीट गैराज की डायमेंशंस हैं। और ये जी गैराज में ऊपर सीलिंग डिजाइन, ये गैराज में नीचे टाइल वर्क और इसी तरीके से ये ऊपर सीलिंग डिजाइन। ये जी गैराज में इस साइड पे आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क के साथ बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, साइड गली जो कि 3 फीट की है, अंदर लॉन्च में जाने के लिए रास्ता, और ये इस साइड पे फ्रंट गली जो कि 5 फीट की है। तो आइए जी आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। अंदर ये इस साइड पे विंडो और बिल्कुल सामने खूबसूरत वॉल डिजाइन, फायरप्लेस, और ये इस साइड पे जी LCD पॉइंट, बिल्कुल उसके साथ ही बेडरूम, किचन, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, और इसी तरीके से ये जी पाउडर रूम। आपको दूसरी साइड से दिखाते चलें, ये बिल्कुल सामने विंडो, बाहर से आने के लिए रास्ता, और इसी तरीके से जी पाउडर रूम, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, किचन, बेडरूम। और आपको ड्राइंग रूम की डायमेंशन बताते चलें, 16 फीट बाई 25 फीट इसकी डायमेंशन है। और ये जी नीचे टाइल वर्क, पूरे घर में 2 फीट और 3 फीट टाइल्स के इस्तेमाल किया गया है। और ये जी ऊपर सीलिंग डिजाइन, और ये जी पाउडर रूम है, जो कि आप सिटिंग एरिया के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। पूरे घर में A+ क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसी डिजाइन के ऊपर अपने लिए घर तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये जी नीचे वाले पोर्शन का किचन है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिजाइन किया गया है, वुडवर्क आपके सामने है, बेहतरीन अलग काम किया गया है। किचन के डायमेंशंस 8 फीट बाई 8.5 फीट इसकी डायमेंशंस हैं। और ये जी किचन का फुल व्यू, ऊपर सीलिंग डिजाइन। इसके बाद आपको किचन से लिए चलते हैं बाहर सिटिंग एरिया में, और फिर आपको सिटिंग एरिया से लिए चलते हैं नीचे वाले पोर्शन के बेडरूम में। ये जी नीचे वाले पोर्शन का बेडरूम है, बिल्कुल सामने डबल विंडो, बहुत ही खूबसूरत वॉल डिजाइन, अटैच वॉशरूम। और ये आपको बेडरूम दूसरी साइड से दिखाते चलें, ये नीचे आप देख सकते हैं इस बेडरूम में वुडन फ्लोर आपको मिलता है। और इस बेडरूम की डायमेंशंस 14 फीट बाई 12 फीट इसकी डायमेंशंस हैं। और ये जी ऊपर सीलिंग डिजाइन। इसके बाद जी आपको लिए चलते हैं वॉशरूम में, ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ वॉशरूम को डिजाइन किया गया है। और पूरे वॉशरूम में पोटा कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, और जैसा कि आपको बताया कि A+ क्वालिटी का इस्तेमाल है पूरे घर में। वॉशरूम की डायमेंशंस 7 फीट बाई 9 फीट इसकी डायमेंशंस हैं। और ये जी ड्रेसिंग एरिया वॉशरूम है। अब बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी क्या कीजिएगा। वॉशरूम से आपको लिए चलते हैं बाहर बेडरूम में, और फिर आपको बेडरूम से लिए चलते हैं बाहर सिटिंग एरिया में, और फिर यहीं से आपको लिए चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में आपको टेरेस एरिया मिल जाता है, और इसी तरीके से 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं, और TV लॉन्च एरिया आ जाता है। और आप हज़रात से गुजारिश है कि इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिएगा, ताकि आपके सामने तमाम तर हमारी अपडेट्स बरवकत आती रहें।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 1 लाख से ऊपर के फॉलोअर्स हैं। ये जी ऊपर वाला सीटिंग एरिया, बिल्कुल सामने विंडो, एलसीडी पॉइंट, और ये बैक वाला बेडरूम। इसी तरीके से ये जी ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ। ये जी फ्रंट वाला बेडरूम, बिल्कुल सामने ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, और इसी तरीके से स्टडी रूम। और ये जी टीवी लॉन्च का फुल व्यू, नीचे टाइल वॉक, और इसी तरीके से ऊपर सीलिंग डिजाइन। और आपको लॉन्च की डायमेंशंस बताते चलें, 13 फीट बाय 11 फीट टीवी लॉन्च की डायमेंशंस हैं। और ये जी फ्रंट वाला बेडरूम है। इस बेडरूम में ये आप देख सकते हैं विंडो, बाहर लॉबी एरिया, और इसी तरीके से अटैच वॉशरूम। और ये जी इस बेडरूम में नीचे वुडन फ्लोर। और आपको इस बेडरूम की डायमेंशंस बताते चलें, 13 फीट बाय 11 फीट इसकी डायमेंशंस हैं। और ये जी बेडरूम में ऊपर सीलिंग डिजाइन, बिल्कुल सामने अटैच वॉशरूम। और ये जी इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ वॉशरूम को डिजाइन किया गया है। साइज के हिसाब से काफी बड़ा ये वॉशरूम है। और ये जी वॉशरूम में शावर एरिया, जो कि केबिन की सूरत में बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। और ये जी अलमारी इस बेडरूम के लिए। इस घर की लोकेशन DHA फेज 3 लाहौर है, और इस घर की जो डिमांड है वो 2,70,00,000 रुपए है। 2,70,00,000 इस घर की डिमांड है। आप दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आइएगा, विजिट कीजिएगा। इसके बाद जी आपको बैक वाले बेडरूम में लिए चलते हैं। ये जी बैक वाला बेडरूम है, इसमें ये अटैच वॉशरूम, बिल्कुल सामने खूबसूरत वॉल डिजाइन। और आपको इस बेडरूम की डायमेंशंस बताते चलें, 12 फीट बाय 11 फीट इस बेडरूम की डायमेंशंस हैं। और इस घर की जो डिमांड है वो 2,70,00,000 रुपया है। आप दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आइएगा, इस घर को विजिट कीजिएगा। ये जी बेडरूम का फुल व्यू, और ये जी ऊपर सीलिंग डिजाइन। और ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इस वॉशरूम को भी डिजाइन किया गया है। ये जी वॉशरूम है बेसन एरिया, और इसी तरीके से ये शावर एरिया, जो कि केबिन की सूरत में बिल्कुल सेपरेट है। और ये जी इस साइड पे अलमारी इस बेडरूम के लिए। पूरे घर में क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने जाती घर नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल से हम सबको अपनी जिंदगी में अपने जाती घर अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी नेक दुआ में हमेशा से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।